नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पिछले 2-3 दिनों से काफी चर्चाओं में है। एक स्टडी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारत में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, यानी भारत में मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की है, उसमें कमी देखने को मिली है, मेजोरिटी पॉपुलेशन कम हुई है। तो वहीं भारत में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, स्पेशली जो मुस्लिम सिख ईसाई हैं, इनकी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या रिपोर्ट्स में आया है, क्या क्या स्टडी में सामने आया है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं 65 सालों में भारत में मुस्लिमों की जो आबादी है उसमें 43% बढ़ोतरी हुई है, यानी 1950 से लेकर 2015 तक का जो डेटा सामने आया है उसमें बताया गया है कि मुसलमानों की जो आबादी है भारत में उसमें 43% बढ़ोतरी हुई है। तो वही भारत में जो हिंदुओं की आबादी है उसमें लगभग 8% कमी देखने को मिली है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EACPM की हालिया रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में करीब 43% मुस्लिम की आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 से लेकर 2015 तक हिंदुओं की आबादी में लगभग 8% की कमी देखने को मिली है, जबकि इसी दौर में मुसलमानों की आबादी में 43% बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप इस डेटा में देख सकते हैं जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में, उसमें मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है, स्पेशली वहां पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिमों की है, वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जैसे क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और मुस्लिम, इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 43%। तो वहीं जो मेजोरिटी ग्रुप्स है हिंदू, उनमें कमी दिखी है 8%। ये डेटा जो है ये सामने आया है। भारत की पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके मेजोरिटी ग्रुप्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें, भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनमें ज्यादातर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है। तो इनमें जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, मतलब उनकी पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है। तो वही जो इंडिया है, नेपाल है, म्यांमार और मालदीव्स, इनकी जो मेजोरिटी ग्रुप्स हैं, इन सारी जो ये 4 कंट्रीज हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत, नेपाल, म्यांमार और मालदीव्स, इन चारों कंट्रीज की पॉपुलेशन में, जो इन चारों कंट्रीज की मेजोरिटी पॉपुलेशन में, उनमें कमी देखने को मिली है, और माइनॉरिटीज, जो इन चारों कंट्रीज की माइनॉरिटीज हैं, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब इस डेटा से मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। म्यांमार की जो पॉपुलेशन है, जो म्यांमार का मेजोरिटी ग्रुप है, उसमें लगभग 10% कमी देखने को मिली है। तो वही जो भारत की मेजोरिटी पॉपुलेशन है जो कि हिंदुओं की है, उसमें लगभग 8% कमी देखने को मिली है। नेपाल में लगभग 4%, तो वही मालदीव्स में लगभग 2% कमी देखने को मिली है। इन जो 4 कंट्रीज की बात कर रही हूं मैं, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, इनकी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन में, उनमें कमी देखने को मिली है और माइनॉरिटीज में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, इनकी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उनमें कमी देखने को मिली है, जैसे कि अफगानिस्तान में 0.29, पाकिस्तान में 3.75, श्रीलंका में 5.25, भूटान में 17.67, बांग्लादेश में 18.55 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टडी में बोला क्या गया है। भारत में साल 1950 से लेकर 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 8% कम हुई है, तो वहीं इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी 43% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों सहित अल्पसंख्याओं की आबादी बढ़ गई है। हालांकि जनसंख्या में जैन और पारसियों की संख्या में भी कमी देखने को मिली है। 2050 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिमों की आबादी में 43% की बढ़ोतरी हुई, ईसाइयों में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई, सिखों में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई और बौद्ध में मामूली हल्की फुल्की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो 1950 में हिंदू की आबादी 84% थी, 2015 में लगभग 78% थी,
जो डेटा के मुताबिक देखने को मिल रही है, तो वहीं इसी दौरान हिंदुओं की आबादी में 8% की कमी देखने को मिली है। वहीं 1950 में मुस्लिम भारत में लगभग 9% थे, 2015 में बढ़ोतरी के साथ संख्या 14% हो गई है। वहीं 1950 में मुस्लिम भारत में 9% थे, 2015 में बढ़ोतरी के साथ इनकी आबादी 14% हो गई है। अब हम बात करते हैं कि इसका सीए से क्या रिलेशन है। दरअसल सीए लागू होने के बाद और सीए लागू होने के पहले काफी सारी आवाजें उठाई जा रही थी कि सीए को हटाया जाए, पर इस डेटा से साफ पता चलता है कि सीए के लागू होने के बाद जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो बाकी देशों में जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो बाकी सारे देश हैं उनमें वो सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो वो भारत लौट कर आते हैं, वो भारत आते हैं शरणार्थी के रूप में। तो सीए लागू होने के बाद उन्हें भारत में बकायदा मान्यता दी जाएगी। मैं आपको बता दूं, कुछ मामलों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों में, कुछ अफ्रीकी देश भी, इनमें जनसंख्या में मेजोरिटी जो हिस्सेदारी है वो बड़ी है। वहीं दूसरी ओर स्टडी में कहा गया है कि 167 देशों में मेजोरिटी की हिस्सेदारी 1950 से लेकर 2015 तक लगभग 22% कम हुई है। इस स्टडी में स्पष्ट किया गया है कि ईएसीपीएम ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की है कि ये परिवर्तन क्यों हुआ है, बल्कि यह देखने के लिए संख्याओं को देखा कि क्या माइनॉरिटीज को समाज में कम या ज्यादा विशेषता मिल रही है या नहीं। क्योंकि जो बहुत से देश हैं वो बोलते हैं कि भारत में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं स्पेशली मुस्लिम, वो सेफ नहीं है। पर इस डेटा से ये साफ देखा जाता है कि जो भारत के माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी जो रिलीजन्स हैं ये भारत में सेफ है और इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ये ग्रो कर रहे हैं, इसलिए ये डेटा, ये स्टडी की गई है। धन्यवाद।